तो एबी कैपिटल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 93.51 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 284.64 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में एबी कैपिटल ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। एंड उसके साथ साथ इस कंपनी की इनकम से रिलेटेड अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम है वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.79 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.94 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7.5 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम के कंपेरिजन में बराबर ग्रो कर रही है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.72%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 90.44% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 97.36% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 85 लाख का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 63.54 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 239.86 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.26 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.99 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है एंड उसके ऊपर से दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने लॉस भी पोस्ट की है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो 100% ये कंपनी मार्च में भी लॉस देने वाली है एंड दिसंबर से तो ज्यादा ही लॉस देने वाली है ये कंपनी अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो। सो एट द एंड ऑफ द डे एबी कैपिटल ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही बकवास परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।